पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको आपकी सोलो फिल्म के लिए, और किस तरह के सॉन्ग्स हैं उनने वाले फिल्म में, किस तरह के लिरिक्स है, किस कंपोजिशन करते हो, कितना आसान है, चैलेंजिंग रहा? देखिए, ये फिल्म शोरगुल जो है बहुत ही एक एक रायट बेस्ड बैकग्राउंड के पीछे एक लव स्टोरी चल रही है वैसी फिल्म है। और नई कलाकार हैं इसमें सुहा और जिमी शेरगिल हैं, ऋषिता भट्ट हैं, आशुतोष राणा जी हैं। तो इंटेंस फिल्म है ये डेफिनेटली, और रोमांस भी है इसमें। तो क्योंकि रायट बेस्ड फिल्म है, इसका जो म्यूज़िक भी है डिफरेंट रहा है, क्योंकि रायट के दौरान एक सॉन्ग चल रहा है जिसे हम कहते हैं बारूदी हवा, गाने का नाम है। बहुत ही डिफरेंट गाना नए राइटर ने लिखा है, आलोक रंजन झा, और समीर जी ने गाना बहुत अच्छा लिखा है रोमांटिक शामो शहर, जो कि लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और क्रिटिक्स की तारीफ आई है, और रेडियोज़ से बहुत मुझे कॉल आए हैं कि लोगों को बहुत पसंद है। और नए सिंगर ने गाया है विशाल मिश्रा। तो एक एक अटेम्प्ट है कि एक एक्शन रोमांटिक फिल्म में अच्छा म्यूज़िक दिया जाए, ताकि फिल्म में भी बहुत अच्छा लगे और सुनने में भी बहुत अच्छा लगे। और एक आइटम सॉन्ग है, और फॉर्चुनेटली वो कपिल सिब्बल साहब जी ने लिखा है उसको, तो वो भी बड़ा अनयूजुअल गाना है। मस्त हवा करके नई लड़की ने गाया है, प्रतिभा पैगेल। तो हिप हॉप रिदमिक गाने को किया है, और कपिल साहब के लिरिक्स के ऊपर मैंने कंपोज किया है। तो आई एम वेरी होपफुल कि मैंने पिक्चर अभी तक देखी नहीं है, क्योंकि पिक्चर कंट्रोवर्सी में आ गई थी, पिक्चर के ऊपर लोगों ने रोक वोक लगा दी थी, मगर अभी कोर्ट ने क्लियर कर दिया है तो पिक्चर रिलीज़ होगी। आई एम वेरी होपफुल कि पिक्चर में गाने बहुत, मैंने गाने देखे हैं, बहुत अच्छी पिक्चर है इसकी, और होपफुली पिक्चर चले तो फिर गाने गानों का और मज़ा आएगा। कपिल सिब्बल के लिरिक्स के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह के उनके लिरिक्स रहे हैं? कपिल सिब्बल साहब के थॉट बहुत ही अच्छे हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के थॉट हैं, और एक्सपर्ट राइटर तो हैं, हम जानते हैं कि बहुत ही ज़हीन इंसान है वो। तो ये बड़ी अनयूजल चीज़ थी कि उनके लिखे हुए गाने पे गाने बनाना। मैंने काफ़ी गाने बनाए हैं उनके साथ बैठ के, तो ये गाना बहुत ही वर्ड्स के साथ जो उन्होंने लिखा है मुखड़ा, उसमें काफ़ी प्ले करके हमने बनाया है, और बहुत ही यूथफुल मस्ती भरा गाना है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि क्योंकि वो एक रेगुलर राइटर नहीं है फिल्म के गानों के, और ये उनकी भी पहली पिक्चर है एज अ लिरिक राइटर, तो बड़े अनयूजुअल थॉट्स मैंने उनके देखे हैं, और बड़े डेप्थ वाले थॉट हैं। सिर्फ ये है कि वो बहुत लंबा लंबा लिख देते हैं, तो उसमें हम अपने हिसाब से फिर उसको एडजस्ट करके बनाते हैं मुखड़े को, मगर जो थॉट्स हैं वो बहुत वैल्यूबल थॉट्स लिखते हैं। तो चैलेंजिंग कितना रहा आपके लिए? मतलब आप, हमने देखा है कि आपने काफ़ी मोहब्बत के अपने सॉन्ग्स बनाए, कलूना, फिर कुछ 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 होता है, तो जी सभी रोमांटिक सॉन्ग्स आप काफ़ी ज़्यादा नज़र आए, लेकिन जी इस तरह के राइट्स बेस्ड फिल्म में तो इस तरह के सॉन्ग्स बनाना कितना चैलेंज रहा आपके लिए? जी चैलेंजिंग तो बिल्कुल रहा है, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप का म्यूज़िक देना था, और मुझे लगता है जो जो बारूदी हवा गाना बनाया है वो भी बहुत अच्छा गाना बनाया है। इट्स वेरी डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ अ म्यूज़िक, तो मुश्किल था मगर अच्छे से हो गया। आई एम वेरी होपफुल कि लोगों को बहुत पसंद आएगा, जैसे शामो शहर लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, ये गाने भी पसंद आएंगे। बट आई एम वेरी हैप्पी कि जो मेलोडियस गाना जो मेरा फोर्टे रहा है वो गाना बहुत लोगों को पसंद आया, और मैं सोचता हूँ कि अगर एक भी गाना बहुत आजकल अच्छा चल जाए तो एक बड़ी अच्छी चीज़ हो जाती फिल्म में न्यू सिंगर आपने नाम लिया गया है गाना गाने के है। लिए, तो ऐसा कि मतलब बहुत से इतने सारे सिंगर हैं सभी फेमस, मतलब जैसे मोहित चौहान है, अरिजीत सिंह जी हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे सिंगर, लेकिन फिर भी आपने नए सिंगर को मौका दिया। मुझे नए सिंगरों को गवाने में मज़ा आता है, क्योंकि एक अच्छी बात यह है कि नई आवाज़ को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो कि पहले कभी नहीं था। और क्यों ना हो, क्यों अच्छा सिंगर हो तो, आजकल तो गाना अच्छा होना चाहिए, सिंगर कोई भी हो और अच्छा गा दे, उस गाने को डिलीवर कर दे तो ज़रूर चलता है। तो और मुझे लगता है कि जितने नए सिंगर आए उतना एक कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन होती है। एक ही सिंगर को आप गवाते रहो तो म्यूज़िक भी एक जैसा हो जाता है, मुझे ऐसा ज़रूर लगता है। तो मैं तो नए सिंगरों को इसमें भी गवाया, प्रतिभा बघेल जो है लड़की, मस्त मस्त हवा गाया है उन्होंने, नई सिंगर हैं, विशाल मिश्रा नया लड़का है, और ममता और ऐश्वर्या को वैसे ही मैंने चांस दिया था मुन्नी बदनाम के टाइम, और दोनों अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि जो मुझे पसंद आता है, जो अच्छे सिंगर होते हैं, मैं उनको गवाता हूँ।
ऑडियंस की बात करूँ सर, आज के टेस्ट ऑडियंस के जो टेस्ट है काफ़ी अनोखे होते जा रहे हैं, काफ़ी बदलते जा रहे हैं बदलते वक्त के साथ। मतलब पहले ऐसा था कि मतलब आप बना दो सॉन्ग तो सभी सॉन्ग्स ऑडियंस को पसंद आया करते थे, लेकिन आज का दौर है बच्चे से बच्चे लेकर हर उनके जो टेस्ट है बदलते जा रहे हैं, तो उनके टेस्ट को पकड़ना, उस तरह के सॉन्ग बनाना आपके लिए कितना चैलेंज या ईजी है? देखिए, मैं तो एक म्यूज़िशियन रहा हूँ और एक म्यूज़िकल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और म्यूज़िक को क्योंकि इतना काम किया है, एक काम करने से एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपको नॉलेज बढ़ता है, आप क्या करना चाहते हैं वो आप अच्छे से अच्छा करते जाते हैं, तो मेरे लिए मुश्किल नहीं है इस पिक्चर में। और जो मेरा आगे भी आने वाला म्यूज़िक है, बहुत अच्छा म्यूज़िक आ रहा है मेरा भी, तो ट्रेंड तो चेंज होना ही चाहिए, नई टेक्नोलॉजी के साथ नई बातें आएंगी और आगे भी चल के आएंगी, मगर जो फॉर्मूला है म्यूज़िक का, उसमें एक चीज़ का ख्याल ज़रूर हमेशा ही रखना चाहिए कि गाने में सोल हो और मेलोडी हो। ये दो चीज़ें जब मिल जाती है, तो कोई भी जनरेशन का गाना हो, वो आपको दिल में लगेगा। बात दिल में लगने की है, अगर दिल में लगे तो कोई भी जनरेशन का गाना हो वो ज़रूर चलता है। अभी भी जो आप सुनते हैं गाने, उस गाने में कुछ बात होती है तो ही आप उसको पसंद करते हैं, कुछ तो बात होती है। मुझे भी नए गाने कभी कभी बहुत अच्छे लगते हैं, जब किसी का नया अच्छा आ जाता है, मगर जो मिसिंग चीज़ है वो ये है कि पूरी की पूरी पिक्चर में अच्छा म्यूज़िक नहीं आता, कोई एक आध गाना आ जाता है अच्छा, मगर एक पूरी पिक्चर में अच्छा म्यूज़िक आए तो फिर तब जाके वो एक मेमोरेबल चीज़ बनती है फॉर एवर। सो आई होप कि जो कंपोजर्स हैं उनको ये मौका मिले, क्योंकि कंपोजर्स को इतना प्रेशर दिया जाता है आजकल के ज़माने में, हीरो की तरफ से, म्यूज़िक कंपनी की तरफ से, क्योंकि सब ये ज़रूर समझ गए हैं कि म्यूज़िक अच्छा नहीं होगा तो पिक्चर चलेगी नहीं, पिक्चर को स्टार्ट भी नहीं मिलता, चाहे बड़े एक्टर की क्यों ना हो। म्यूज़िक का बहुत अहम किरदार जो हमेशा रहा है, वो आजकल ज़्यादा रियलाइज़ हो गया है कि म्यूज़िक का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, तो नेचुरली कंपोजर्स के ऊपर प्रेशर प्रेशर ज़्यादा है। बहुत ही टैलेंटेड हैं कंपोजर्स हमारे, मगर क्योंकि इतना प्रेशर हो जाता है कि वो जो खुद जो चाहते हैं, जो जानते हैं कि ये अच्छा है, वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं। तो वो बैलेंस अगर आ जाए तो देन अगेन विल हैव समथिंग लाइक यू नो अन एरा ऑफ वेरी वेरी मोर ब्यूटीफुल म्यूज़िक, जो कि आराम से जो कंपोजर्स हैं कर सकते हैं। अच्छा, आप पे कितना प्रेशर था? देखिए, मुझ पे प्रेशर इतना नहीं रहा, क्योंकि इसके जो डायरेक्टर हैं प्रणव सिंह, मेरे अच्छे दोस्त हैं, और उनकी सिचुएशन भले ही डाइसी और डिफ़िकल्ट रही हो, मगर उनका मेलेडी में ट्रस्ट था कि ललित जी की जो मेलेडी है, जो रोमांटिक गाना है, वो अच्छा ही करेंगे, और तो वो बात निभ गई और चल गई और म्यूज़िक अच्छा भी हो गया उसका और अप्रिशिएट हो गया। यही एक कारण है और यही एक प्रूफ है कि म्यूज़िक जो है ठीक ठाक हो गया इस पिक्चर का। मगर जो बड़ी कास्टिंग की पिक्चर है, उसमें मैं ये नोटिस करता हूँ कि बहुत तकलीफ़ होती है आजकल। कंपटीशन की बात करें, बॉलीवुड के साथ बढ़ती कंपटीशन भी बढ़ते जा रही है, जैसे सिंगिंग की हो या फिर स्टार की हो, फिर एक्टिंग की हो या फिर सॉन्ग्स की हो, तो आप कितना मानते हैं इस बात में कि हाँ कहीं ना कहीं बढ़ते कंपटीशन का एक दौर आएगा जब जहाँ मतलब हम भी न रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, हम जी ढलते वक्त साथ हम भी ढल जाएंगे? देखिए, कंपटीशन तो हर जनरेशन में रहता है, और वो कंपटीशन के वजह से ही अच्छा काम होता है कि एक कंपोज़र का अच्छा म्यूज़िक लगा तो आप और अच्छा देने की कोशिश करें, और वो एक तो बड़ी हेल्दी चीज़ है, और उसी से तो अच्छा काम होता है। अगर किसी चीज़ में, हर प्रोफेशन में कंपटीशन रहती है, म्यूज़िक में क्यों, फिल्म में नहीं रहती? डायरेक्टर एक दूसरे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं, हमारे हीरो को आप देखते ही हैं कितना कोशिश करते हैं कि उनकी पिक्चर सबसे ज़्यादा कमाए, मार्केटिंग कितनी बड़ी चीज़ हो गई है, तो ये तो अच्छी चीज़ है, ये तो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जिस और एक एज आना चाहिए और एक उससे जोश आता है अच्छा काम करने का, वो हर जनरेशन में था, अभी भी है। अभी सिर्फ ये है कि बहुत ज़्यादा सिंगर्स ऑल ओवर इंडिया से आ गए हैं रियलिटी शोज़ के थ्रू, और कंपोजिंग का ऐसा हो गया कि हर आदमी के पास एक कंप्यूटर है और वो कंप्यूटर में पूरा म्यूज़िक बन जाता है, तो उस वजह से इन्फ्लक्स ज़्यादा है, बट द थॉट एंड प्रोसेस ऑफ वर्किंग गुड एंड नाइस रिमेन्स द सेम। यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड और मेक गुड सॉन्ग्स विच हैव टू स्टैंड आउट फ्रॉम दी अदर्स, तो वो चीज़ तो हमेशा थी और वो आगे भी रहेंगी, इस दौर के भी आगे वही चलेगा। तो ये है कि आप अपने आप को ट्रांजिट कैसे करें, और अ गुड म्यूजिशियन हु नोज़ प्लेइंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, हु नोज़ द ट्रेड ऑफ कंपोजिंग, नोज़ द ट्रेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द फिल्म सिचुएशन, विल ऑलवेज कीप वर्किंग एज लॉन्ग एज ही वॉन्ट्स।
आज के दौर के कोई सिंगर है जो आपके बहुत फेवरेट है, जिसे आप मानते हो काफी काबिल है? आज के सिंगर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे अच्छे आ गए हैं नए, और अच्छा भी कर रहे हैं। एक डिसिप्लिन उनमें आना बहुत ज़रूरी है, जो नए जो हैं, और जिसमें भी वो चीज़ आ गई वो बहुत ज़्यादा चलेगा, ये ज़्यादा ज़रूरी हो गया। बिकॉज विद द न्यू ट्रेंड चेंजिंग, दिस लेस ऑफ डिसिप्लिन इन वर्किंग वर्किंग एट ऑड आवर्स, और जो कि ज़रूरत नहीं है। और प्रिंसिपली प्रैक्टिस करना, और थोड़ी चीज़ें मिसिंग हैं, बट आई एम श्योर एज यू ग्रो एज एन आर्टिस्ट, एवरी सिंगर एंड एवरी पर्सन इम्प्रूव्स। जतिन सर, आपने मिलकर काफ़ी अच्छा दौर जी आपका रहा है, जी काफ़ी बिल्कुल। ब्रांड, आप खुद एक ब्रांड है आप, फिर कब देखने मिलेंगे आप जतिन ललित एक साथ? देखिए, जतिन तो एलए में हैं फिलहाल, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, और वो वहाँ भी डिफरेंट चीज म्यूज़िक के शोज़ करते हैं, और क्रॉसओवर फिल्म भी की है उन्होंने, कुंदन शाह की अभी रिसेंटली फिल्म भी की उन्होंने, तो वो अपना काम कर रहे हैं, और ही इज़ वेरी हैप्पी ओवर देयर। तो अभी ऐसा तो कुछ है नहीं कि जतिन के साथ कब काम करेंगे, मगर ये ज़रूर है कि जितना भी हमने काम किया बहुत मेमोरेबल काम हुआ है, और इट डजेंट नेसेसरीली यू नो मीन दैट अगर आप इतने साल काम करते तो आपका बेटर होता, या इतनी ही पिक्चरें करते, या 400 पिक्चर कर जाते। हमने जितना भी काम किया वो बहुत म्यूज़िक डायरेक्टरों से ज़्यादा अप्रिशिएट हुआ है, और वो ज़्यादा लंबा अप्रिशिएट चले गए। तो जितना भी किया बहुत ही सेटिस्फाइंग रहा है। फनाता का आप देखिए, नेशनल अवार्ड विनिंग पिक्चर रही है वो, और म्यूज़िक में भी बहुत ही कमाल का म्यूज़िक था उसका भी। तो जितना भी किया बहुत मज़ा आया साथ में, और बोथ ऑफ अस आर वेरी प्राउड ऑफ द काइंड ऑफ वर्क दैट म्यूजिकली वी हैव डिलीवर्ड। सेंसर बोर्ड की बात करें तो काफ़ी चर्चे में आजकल सेंसर बोर्ड, और काफ़ी जो रैप और जो स्पेशल करके जो पंजाबी सॉन्ग्स हैं उनके जो लिरिक्स होते हैं काफ़ी डिग्रेडिंग होते हैं, काफ़ी ड्रग्स और पिल्स और काफ़ी अल्कोहल का उनमें सेवन दिखाया जाता है, वुमेन को जिस तरह पोर्ट्रेट करते हैं। आप क्या सोचते हैं, मतलब सॉन्ग्स में भी लिरिक्स में भी कुछ सेंसरिंग होनी चाहिए बोर्ड को, कुछ इसमें कुछ ना कुछ पाबंदी लगानी चाहिए कि नहीं? वर्ड्स में पाबंदी का कोई इतना मतलब नहीं बनता। डायलॉग्स आप देखिए, उसमें ज़्यादा वल्गैरिटी हो सकती है। म्यूज़िक में आप कितना वल्गैरिटी कर लोगे या क्या कर लोगे, सेंसर की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है। मगर यह है कि कंपोजर्स एंड राइटर्स हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल देमसेल्व्स कि क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है। मुझे याद है जब मैं मुन्नी बदनाम गाना कर रहा था, तो उसके लिरिक्स में जब हम लोग सब वर्क कर रहे थे, तो उसमें अरबाज़ खान वॉज़ वेरी केयरफुल कि कहाँ तक हमको करना है। उसमें भी बहुत ज़्यादा हम कर सकते थे, मगर हमने किया नहीं। बहुत ही बैलेंस्ड लिरिक रखा, बिकॉज आफ्टर ऑल वल्गैरिटी एंड यू नो ऑड काइंड ऑफ वर्ड्स डोंट पोर्ट्रे वेल योर ओन सेंस ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कभी कभी कोई कोई ऐसे डायरेक्टर होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं कि इसको थोड़ा ऐसा कर लेते हैं, बट यू कैन ऑलवेज बैलेंस। आपको अपना थाट और अपना प्रोसेस खुद तय करना है कि आपको क्या करना है, और ये बिल्कुल ये नेसेसरी नहीं है कि वल्गर वर्ड से गाने चलते हैं। गाने चलने का रीज़न कुछ और ही है। ओके, लास्ट सवाल जाते जाते, सॉन्ग्स को लेकर ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे, सॉन्ग्स को लेकर फिल्मों को लेकर? सॉन्ग से ऑडियंस का ये कनेक्शन है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में देखिए, म्यूज़िकल हमारे कल्चर में ही है। आप कोई भी ऐसा कोई प्रांत नहीं है, कोई देश नहीं जिसमें अलग अलग प्रांत के इतने किस्म के म्यूज़िक हों। आप कर्नाटक जाइए, वहाँ का हमारा कर्नाटक म्यूज़िक है। आप बंगाल चले जाइए, वहाँ का अलग कल्चर और कलर है म्यूज़िक का। आप पंजाब का अंग देख लीजिए, आप राजस्थान का देख लीजिए, बहुत ही रिच कल्चरल म्यूज़िक है हमारे इसमें। तो क्योंकि हमारे कल्चर में म्यूज़िक है, हमारे फिल्म में म्यूज़िक हमेशा ही चलेगा, और वो हमेशा ही रहेगा, वो हमारे सक्सेस की कहानी है। और हमारा कोई त्यौहार होता है तो आप देखिए म्यूज़िक से ही सेलिब्रेट करते हैं हम, और म्यूज़िक से लगे हुए त्यौहार हैं हमारे। तो ऑडियंस हमेशा म्यूज़िक को लाइक करेगी, और म्यूज़िक का पूरे दुनिया में एक ऐसा है, बहुत ही रिलैक्सिंग चीज़ है, और दुनिया में कोई भी देश हो वो म्यूज़िक ज़रूर सुनता है। थैंक यू। आप मानते हैं कि नहीं इस बात क्या? कि दुनिया में कोई भी देश हो वहाँ आपको ज़रूर मिलेगा एक आदमी हेडफोन लगा के घूम रहा है। नेशनल चीज़ है।
Stay tuned to Bollywood Bubble for all the latest updates.